लड़कियों पर। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण और राजस्थान के पास दो चक्रवाती दबाव क्षेत्र होने के चलते प्रदेश में सोमवार को कई स्थानों पर ओलावृष्टि, तेज धूल भरी हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही व्यक्त की गई थी, जिसका असर भी सोमवार को देखने को मिला, जहां बदली के बीच रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से लोग घरों में दुबके नजर आए। यह मौसम मंगलवार को भी बने रहने का अंदेशा जताया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी, जो फोरकास्ट हमें उपलब्ध कराया गया था, तो वो पिछले दो तीन दिनों से चौथा दिन है जो मौसम में परिवर्तन है और बेमौसम वर्षा हो रही है। तो अभी जो सूचना जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अभी तक, तो आज तो ये मौसम बना ही रहेगा, संभावित है कि ये कल भी इसी तरह का मौसम बना रहे। तो अभी ये छुटपुट वर्षा और कुछ जगहों पर थोड़ी तेज वर्षा भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो अभी फिलहाल मौसम इसी तरह से बने रहने की संभावना है, फिर कुछ दिनों बाद मौसम खुलेगा। आज जो वर्षा हुई है, इसमें कोई जनहानि? नहीं, जनहानि तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो फसलों को क्षति हुई है उसके लिए सभी तहसीलों को एडीएम फाइनेंस सर द्वारा और डीएम सर द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि वे लोग आकलन करें जिनका भी फसल प्रभावित हुआ है। तो राजस्व विभाग की जो टीम है, राजस्व निरीक्षक हैं और लेखपाल साहब हैं, और साथ ही जो हमारे कृषि विभाग की और जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये लोग इसका निरीक्षण करेंगे और यदि अगर कहीं पर भी क्षति हुई है तो उसको 35% से अधिक की अगर क्षति हुई है तो उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार अनुमन्य सहायता उपलब्ध